रुक जाओ राधा, क्या अनर्थ कर रही हो? आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या करना अगर पाप है तो मेरा जीना भी पाप है। नहीं राधा। भैया, आज तक मैं सिर्फ एक ही आशा पर जीती रही कि एक न एक दिन तुमको मेरे पर दया आएगी। तुम अपना सारा परिचय देकर मेरे माथे पर लगे हुए कलंक के टीके को पोंछ दोगे, लेकिन नहीं, मेरी आशा तो निराशा में बदल गई। अब मेरे लिए मरने के सिवा और दूसरा चारा ही क्या है? आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, ये क्या कम है जो आज मरने से रोक रहे हो? विदा भैया। राधा, धीरे से काम लो राधा, सांझ को आंच नहीं। राधा, राधा मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूं। भैया। हाँ राधा। भैया। आइए आइए स्वामी। स्वामी, तुम यहाँ क्यों आई हो? निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ, दफा हो जाओ। नहीं स्वामी, मैं अकेली नहीं हूँ, देखिए मेरे भाई मेरे साथ आए हैं। ओ, तो आखिर तुम आए गए? बोलो कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कौन सा है तुम्हारा खानदान, तुम्हारे माता पिता हैं भी या नहीं, जवाब दो। जान, मेरा परिचय न जानने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई या बुराई मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मेरे बात का साफ साफ जवाब दो। भैया आप चुप क्यों हैं? आपकी खामोशी मेरे जीवन को अंधकार में डाल रही है। बोलिए भैया, बोलिए। श्याम, मैं फिर कहता हूँ कि मेरा परिचय न जानने में ही तुम्हारी भलाई है। भूल जाओ उन बीती हुई बातों को और अपने मन की शंका को मिटा दो। और फिर कहता हूँ, मेरी बहन गंगा जल की तरह पवित्र है। तुम पवित्र के बारे में क्या जानो झूठे पखंडी? मेरी बात का साफ साफ जवाब देने के बदले तुम मुझे नसीहत दे रहे हो। स्वामी, स्वामी। मत कहो मुझे स्वामी, मैं तुझे श्याम। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं भी कितना अधम और नीच हूं, मैंने आप पे हाथ उठाया, न जाने आपको क्या क्या कह दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। उठो श्याम, जो सच्चे मन से प्रायश्चित कर लेता है उसके पाप स्वयं समाप्त हो जाते हैं। आपने मुझे क्षमा कर दिया प्रभु। प्रभु आप हमारे घर पधारे हैं, हमें सेवा का मौका दीजिए। प्रभु, माँ। सिद्धि विनायक मेरे भाई, आज तो मेरी खुशी का कोई अंत नहीं। भैया, तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? तुमने आज मुझे रक्षाबंधन का सच्चा उपहार दिया है भैया, सच्चा उपहार दिया है। आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, तुम भी खुश हो ना भैया? ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ, तुम भी इतने खुश हो ना भैया? आज मेरी खुशी से तुम्हें भी खुशी हुई है ना भैया? बोलो राधा, ये आंसू खुशी के नहीं दुख के हैं। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में लिखा था, गणेश स्वयं मानव रूप में तुम्हारे भाई बनेंगे, किंतु जिस दिन विवश होकर वो अपना परिचय देंगे वो दिन तुम्हारे सुहाग का अंतिम दिन होगा। नहीं, 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 नहीं। भैया, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मेरी एक अंतिम प्रार्थना है। पति के साथ जब चिता की सेज पर मैं बैठूं, तो हम दोनों का अंतिम अग्नि संस्कार करने आप आएंगे।
सिर्फ आप, वचन दो भैया, वचन दो। मैं वचन देता हूँ। प्रभु, बेटी, तेरे भैया कहाँ गए? अभी अभी तो यही थे। तो चुप क्यों हो बहू? चले गए। बेटी, आज तेरे कारण गणेश जी के चरण यहाँ पड़े, हम सब पावन हो गए। बहू, मैंने आज तक तुझे नहीं पहचाना, तू सदेवी है। अरे, तू उदास क्यों खड़ी है बहू? चल, आज मैं तेरा श्रृंगार कर दूँ। आज तो बड़ी खुशी की रात है, ऐसी खुशी की रात फिर कभी नहीं आएगी बहू। चल। वक्रतुंड महाकाय सूरकी समप्रभा, निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का ये स्वरूप कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। इनकी छाया में मन को कितनी शांति मिलती है। जी चाहता है आज की रात यहीं बिता दें। तुम बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? क्या अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं सुनी। राधा, हमारा साथ जन्म जन्म का साथ है। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। यहां आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। कई दिनों से तुम्हारी वीरा से यह नींद मेरी आंखों में समाई हुई है। जी चाहता है तुम्हारी गोद में सो जाऊं और सोता रहूं, और अगर सुबह मेरी नींद न खुले तो मुझे जगाना मत। शायद इसी नींद में मेरी प्रेम समाधि लग जाए। सूर्यदेव रुक जाइए, अपना उदय होना रोक दीजिए। मुरलीनंदन, आप कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं? पृथ्वी पर अनादिकाल से उदय और अस्त होना ये मेरा अटल नियम है। मैं जानता हूँ, किंतु मेरी बहन के सुहाग की रक्षा के लिए आपको अपना नियम बदलना होगा। ये असंभव है। मुरलीनंदन, आप तो बुद्धिमान है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही होता है, इसलिए आप उसका मोह छोड़ दीजिए और मेरे मार्ग से हट जाइए। मेरा उदय होना निश्चित है। ठीक है, प्रलय होने तक मैं आपका उदय नहीं होने दूंगा।